इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करूंगा उसका नाम है प्रोग्रामिंग विद प्रोलॉग। लेकिन पहले हमको यह भी जानना जरूरी है कि व्हाट इज़ प्रोलॉग, यानी कि प्रोलॉग क्या है। प्रोलॉग इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज टू हैव बीन इंस्पायर्ड बाय लॉजिक प्रोग्रामिंग रिसर्च। प्रोलॉग सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला लैंग्वेज है, जो कि इंस्पायर्ड किया है बहुत सारे लॉजिक प्रोग्रामिंग रिसर्च को। कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं प्रोलॉग के। प्रोलॉग के कुछ फीचर्स ये हैं कि प्रोलॉग यूज़ करता है लॉजिकल वेरिएबल। इट मीन्स प्रोलॉग यूजेस लॉजिकल वेरिएबल। दीज आर नॉट द सेम एज वेरिएबल इन अदर लैंग्वेजेस। प्रोलॉग के जो लॉजिकल वेरिएबल हैं वो अदर लैंग्वेजेस के वेरिएबल के कंपैरिजन में सेम नहीं है। प्रोग्रामर्स कैन यूज़ देम एज होल्स इन डेटा स्ट्रक्चर दैट आर ग्रेजुअली फिल्ड इन एज कंप्यूटेशन प्रोसीड्स। प्रोग्रामर इन्हें यूज़ कर सकते हैं एज होल्स डेटा स्ट्रक्चर में, जो कि ग्रेजुअली फिल्ड होते हैं, धीरे धीरे फिल्ड होते हैं जैसे जैसे कंप्यूटेशन आगे बढ़ता है। यूनिफिकेशन इज अ बिल्ट इन टर्म मैनिपुलेशन मैथड दैट पासिस पैरामीटर्स रिटर्न्स रिजल्ट्स सेलेक्ट्स एंड कंस्ट्रक्ट डेटा स्ट्रक्चर्स। यूनिफिकेशन एक बिल्ट इन टर्म मैनिपुलेशन मेथड है, जिसकी मदद से पास किए जाते हैं पैरामीटर, रिटर्न किया जाता है रिजल्ट, सेलेक्ट किया जाता है और कंस्ट्रक्ट किया जाता है डेटा स्ट्रक्चर्स। बेसिक कंट्रोल फ्लो मॉडल इज बैक ट्रैकिंग। जो बेसिक कंट्रोल फ्लो मॉडल है वो है बैक ट्रैकिंग। प्रोग्राम क्लॉजेस एंड डेटा हैव देयर सेम फॉर्म। प्रोग्राम क्लॉजेस और डेटा का सेम फॉर्म है। द रिलेशनल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर मेक्स इट पॉसिबल टू डिफाइन रिवर्सिबल प्रोसीजर्स। रिलेशनल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर्स इस बात के लिए पॉसिबल बनाते हैं कि डिफाइन किया जा सके रिवर्सिबल प्रोसीजर्स को। क्लॉजेस प्रोवाइड ए कन्वीनियंट वे टू एक्सप्रेस केस एनालिसिस एंड नॉन डिटर्मिनिज्म। क्लॉजेस प्रोवाइड कराते हैं एक कन्वीनियंट वे ताकि एक्सप्रेस किया जा सके केस एनालिसिस और नॉन डिटर्मिनिज्म। समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ कंट्रोल फीचर्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ लॉजिक। कई बार इस बात यह नेसेसरी होता है कि यूज़ किया जाए कंट्रोल फीचर्स जो कि लॉजिक का पार्ट नहीं होता है। ए प्रोलॉग प्रोग्राम कैन ऑल्सो बी सीन एज अ रिलेशनल डेटाबेस कंटेनिंग रूल्स एज वेल एज फैक्ट्स। एक प्रोलॉग प्रोग्राम को रिलेशनल डेटाबेस के जैसा भी देखा जा सकता है, जिसमें रूल्स और फैक्ट्स कंटेन किए हुए होते हैं। वॉट ए प्रोग्राम लुक्स लाइक। एक प्रोग्राम कैसा दिखाई देगा। एट द जू चिड़ियाघर में। एलिफेंट जॉर्ज एलिफेंट मैरी। यानी कि यहाँ पर दो एलिफेंट हैं, एक का नाम है जॉर्ज और एक का नाम है मैरी। पांडा ची ची पांडा मिंग मिंग। दो पांडा हैं, एक पांडा का नाम है ची ची और दूसरे पांडा का नाम है मिंग मिंग। डेंजरस एक्स बिग टीथ डेंजरस एक्स विनोनिमस। यानी कि जो एनिमल्स हैं या तो शायद उनके बिग टीथ हैं, बड़े बड़े दांत हैं, या फिर वो विनोनिमस हैं। गैस एक्स टाइगर स्ट्रीपी बिग टीथ इज अ कैट। हमें अंदाज़ा लगाना है कि क्या यह टाइगर है, यह स्ट्रीपी है, इसके बड़े बड़े दांत हैं और यह एक बिल्ली की तरह दिखाई देता है। गैस एक्स कोआला एर्बोरियल और स्लीपी। हमें गैस करना है कि क्या ये कोआला नाम का जानवर है जो कि एर्बोरियल है और बहुत ज़्यादा सोता है। गैस एक्स जेब्रा स्ट्रीपी इज अ हॉर्स। हमें गैस करना है कि क्या यह जेब्रा है, यह बहुत स्ट्रीपी है और एक घोड़े की तरह दिखाई देता है। प्रोलॉग इज अ डिक्लेरेटिव लैंग्वेज। प्रोलॉग एक डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है। क्लॉजेस आर स्टेटमेंट्स अबाउट व्हाट इज ट्रू अबाउट अ प्रॉब्लम इंस्टीड ऑफ इंस्ट्रक्शंस
how to accomplish the solution. Clauses एक statements हैं इस चीज़ के लिए कि क्या true है किसी भी problem के बारे में. Instead of instruction कि कैसे accomplish करना है solution. The prologue system uses the clauses to work out how to accomplish the solution by searching through the space of possible solutions. Prologue system use करता है clauses को ताकि workout किया जा सके कि कैसे accomplish किया जाए solution को by searching through the space of possible solutions. Not all problems have pure declarative specifications. सारे problems का pure declarative specification नहीं होता है. Sometimes extra logical statements are needed. कई बार extra logical statements की ज़रूरत पड़ती है. Example, concatenate list A and B. एक example है concatenate list A और B का. In an imperative language, मान लीजिए हम imperative language में कुछ program लिख रहे हैं. List procedure cat list A list B. एक लिस्ट प्रोसीजर है कैट नाम का जिसमें दो लिस्ट हैं लिस्ट ए और लिस्ट बी. लिस्ट टी इक्वल लिस्ट यू इक्वल कॉपी लिस्ट ए. लिस्ट टी और लिस्ट यू को लिस्ट टू को असाइन किया गया लिस्ट यू में और कॉपी किया गया लिस्ट ए को. वाइल टी डॉट टेल नॉट इक्वल टू निल. मान लीजिए टी की जो टेल है वो निल नहीं है. देन टी इक्वल टी टेल. टी इक्वल टी टेल. टी Detail equal B return U. In a functional language, cat A B is equal if B equal nil then A else cons head A cat tail A B. Functional language में cat A B लिखा गया. फिर लिखा गया कि यदि B nil है तब ये हो सकता है कि एक head हो सकता है cat का tail हो सकता है. In a declarative language, डिक्लेरेटिव लैंग्वेज में कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा. कंप्लीट सिंटैक्स ऑफ टर्म्स. यदि हम बात करें कंप्लीट सिंटैक्स ऑफ टर्म्स के बारे में तो टर्म तीन तरह का हो सकता है कॉन्स्टेंट कंपाउंड टर्म और वेरिएबल. अब यदि हम कॉन्स्टेंट के बारे में बात करें तो कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा नेम्स एंड इंडिविजुअल. जो कंपाउंड टर्म होगा वो क्या होगा नेम ही होगा लेकिन एक ऐसा इंडिविजुअल होगा जिसमें पार्ट्स हो सकते हैं. वेरिएबल. अब वेरिएबल क्या होगा वेरिएबल स्टैंड करेगा एक इंडिविजुअल के लिए जो कि जिसका कोई नाम नहीं हो सकता जब प्रोग्राम लिखा जाएगा. अब हम आते हैं कांस्टेंट. कांस्टेंट भी दो टाइप का हो सकता है एटम और नंबर. यदि हम एटम के बारे में बात करें तो एटम के कुछ एग्जांपल इस तरीके से हो सकते हैं अल्फा 17 ग्रॉस पे जॉन स्मिथ डाइस्पेसिया प्लस इक्वल डिवाइड इक्वल 12Q&A. ये एटम के एग्जांपल है. अब नंबर में 0 1 57 1.618 2.04 e-27 -13.6. कंपाउंड टर्म्स. कंपाउंड टर्म्स में कैसे हो सकता है लाइक्स जॉन मैरी. जॉन मैरी को लाइक करता है. बुक डिकन्स जे क्रिकेट FX 13GA79 +15 17T 15 +17 -T. वेरिएबल. X is a variable, gross P is a variable, diagnosis is a variable, underscore 257 used for variable, underscore used for variable. Compound terms. The parent of spot and are Fido and Rover. Compound terms के यहाँ पर एक और example बताया जा रहा है. Spot के parent हैं Fido and Rover. Parents, spot, फीडो रोवर. स्पॉट जो है वो फीडो और रोवर का क्या है चाइल्ड है. तो जो पेरेंट को क्या लिया जा रहा है पेरेंट लिया जा रहा है एज अ फंक्टर ऑफ एरिटी 3. यानी कि पेरेंट्स क्या है एक एटम है जो एक्चुअली में फंक्टर है जिसकी एरिटी कितनी है 3 है. अब कंपोनेंट्स यदि हम बात करें एक फंक्टर की यानी कि एटम की तो उस एटम के n नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं. भले ही यहाँ पर आपको सिर्फ तीन टर्म्स दिखाई दे रहे हैं स्पॉट फीडो रोवर आप इससे ज़्यादा टर्म्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इट इज़ पॉसिबल टू डिपिक्ट द टर्म एज अ ट्री. जो भी आपका फंक्टर है
है ना, फंक्टर है और इसके कंपोनेंट है, आप इनको एज अ ट्री भी दिखा सकते हैं। तो उसका एज अ ट्री कैसे दिखाएंगे, पेरेंट हो जाएगा रूट और स्पॉट फीडो और ओवर क्या हो जाएंगे, उसके चाइल्ड हो जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर यह बात थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो स्पॉट है, ये जो स्पॉट है ये क्या है, ये फीडो और ओवर का चाइल्ड है। तो यदि आप एज अ ट्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है। कंपाउंड टर्म्स, सम एटम्स हैव बिल्ट इन ऑपरेटर डिक्लेरेशंस सो दे मे बी रिटन इन अ सिंटेक्टिकली कन्वीनियंट फॉर्म। कुछ एटम्स में बिल्ट इन ऑपरेटर होते हैं, बिल्ट इन ऑपरेटर डिक्लेरेशन होते हैं, इसलिए उन्हें लिखा जा सकता है सिंटेक्टिकली कन्वीनियंट फॉर्म में। द मीनिंग इज़ नॉट अफेक्टेड, उनका जो मीनिंग होता है वो कभी भी अफेक्टेड नहीं होता है। दिस एग्जाम्पल लुक्स लाइक एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बट माइट नॉट बी, इट इज़ जस्ट अ टर्म। यह जो एग्जाम्पल नीचे आपको दिया गया यह एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जैसा लग सकता है, लेकिन यह शायद नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक टर्म है। अब जैसे यहाँ पर हमने लिखा इक्वल डिवाइड इक्वल 15 प्लस एक्स 0 इंटू ए प्लस 2 टाइम्स लेस देन का ऑपरेटर है, देन 5 है। तो इसको अलग अलग रिप्रेजेंट किया गया है, चालू इक्वल से किया गया है, ठीक है। पहले इक्वल, इक्वल डिवाइड इक्वल, फिर प्लस प्लस को अलग कर दिया गया है, दो बार प्लस आया तो दोनों को अलग कर दिया गया है। अब 15, ये 15 को यहाँ पर लिया गया और इस एक्स को यहाँ पर, देन आ गया 0, है ना। मतलब जितने ऑपरेटर्स हैं उनको पहले लिया गया है, प्लस के बाद पहले यहाँ पे प्लस है तो ये हो गया प्लस। अब ये दो प्लस का मतलब ये है, ये प्लस और ये प्लस यहाँ यहाँ लिया गया है ना, तो ये प्लस का काम हो गया। उसके बाद देखिए ये फर्स्ट वाले प्लस में, इस वाले प्लस में क्या है, 15 और x है, तो 15 और x अलग अलग लिख लिए। अब जो सेकेंड वाला प्लस है, सेकेंड वाला प्लस ब्रैकेट के बाद है, उसके पहले क्या है, उसके पहले इनटू, तो ये आ गया इनटू, इनटू के साथ क्या है, 0 और ये, तो ये हो गया 0 और a। उसके बाद इस प्लस के बाद कुछ और ऑपरेटर्स यदि आप देखें तो ये दोनों ऑपरेटर हैं, तो ये दोनों ऑपरेटर को इस्तेमाल कर दिया गया, एक साथ लिख दिया गया यहाँ पर। इसके बाद लेफ्ट साइड में 2 और राइट साइड में 5, तो इस तरीके से यहाँ पर बनाया गया इसे। अब जैसे हम आगे बढ़ें मोर अबाउट ऑपरेटर्स में, एनी एटम मे बी डेजिग्नेटेड एन ऑपरेटर, किसी भी एटम को डेजिग्नेटेड किया जा सकता है एज एन ऑपरेटर। द ओनली पर्पस इज फॉर कन्वीनियंस, ओनली पर्पस जो होता है वो कन्वीनियंस के लिए वह यह होता है। द ओनली इफेक्ट इज हाउ द टर्म कंटेनिंग द एटम इज पास्ड, एटम को आप डेजिग्नेट कर सकते हैं एज एन ऑपरेटर। पर्पस फॉर कन्वीनियंस यह होता है कि सिर्फ इफेक्ट करेगा कि कैसे टर्म कंटेन करेगा एटम को जो कि पास्ड होगा। ऑपरेटर्स आर सिंटेक्टिक शुगर, ऑपरेटर्स क्या हैं, सिंटेक्टिक शुगर हैं। वी विल नॉट बी डेजिग्नेटिंग ऑपरेटर्स इन दिस कोर्स बट इट इज ऑलवेज टू अंडरस्टैंड दम बिकॉज ए नंबर ऑफ एटम्स हैव बिल्ट इन डेजिग्नेशन एज एन ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स हैव 3 प्रॉपर्टीज, पोजिशन, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। ऑपरेटर्स की 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, पोजिशन, प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटर प्रॉपर्टीज, अब हम ऑपरेटर प्रॉपर्टीज़ की कुछ एग्जाम्पल बताएंगे। पोजिशन, प्रीफिक्स, इनफिक्स और पोस्टफिक्स, इनके बारे में ध्यान रखना है। ऑपरेटर सिंटेक्स में आ जाएगा -2 और इसका इनफिक्स होगा 5 प्लस 17, पोस्टफिक्स n नॉट n। नॉर्मल सिंटेक्स का एग्जांपल है -2 प्रीफिक्स के लिए, इनफिक्स के लिए +17 5 और पोस्टफिक्स के लिए निगेशन पहले आ जाएगा फिर n आ जाएगा। एसोसिएटिविटी, लेफ्ट राइट नन, जो एसोसिएटिव लेफ्ट भी हो सकती है, राइट भी हो सकती है और नन भी हो सकती है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड यदि पास्ड होगा तो वो कुछ इस तरीके से पास्ड होगा कि एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में चला जाएगा फिर प्लस जेड अलग हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एडिशन जो है वो लेफ्ट एसोसिएटिव है। प्रेसिडेंस एन इंटीजर, यदि हम बात करते हैं
एक इंटीजर एक्सप्रेशन में प्रेसिडेंस के बारे में, तो x प्लस वाई इंटू जेड को यदि पास किया जाएगा तो कुछ इस तरीके से, x के बाद प्लस, फिर एक अलग एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाए तो y के पहले आ जाएगा ब्रैकेट y इंटू जेड ब्रैकेट, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन हैज़ हायर प्रेसिडेंस। ऐसा इसलिए क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में हायर प्रेसिडेंस है। दीज आर ऑल द सेम एज द नॉर्मल रूल्स ऑफ अर्थमेटिक। जैसे नॉर्मल रूल्स होता है अर्थमेटिक, सेम उसी तरीके से वर्क होगा यहाँ पर। द लास्ट पॉइंट अबाउट द कंपाउंड टर्म्स, कंपाउंड टर्म्स के बारे में कुछ लास्ट पॉइंट इस तरीके से हैं। कॉन्स्टेंट आर सिंपली कंपाउंड टर्म्स ऑफ एरिटी ज़ीरो। कॉन्स्टेंट जो होते हैं सिंपली कंपाउंड टर्म्स होते हैं एरिटी, जिनमें एरिटी जो होती है वो ज़ीरो होती है। बेजर मीन्स द सेम एज बेजर। यदि हमने लिखा ऐसा बेजर, तो इस बेजर का मीनिंग भी, दोनों का मीनिंग क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, दोनों का मीनिंग क्या हो जाएगा, सेम होगा। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या कैसा हो सकता है। प्रोग्राम्स कंसिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स, प्रोग्राम में प्रोसीजर्स हो सकते हैं। प्रोसीजर्स कंसिस्ट ऑफ क्लॉज, प्रोसीजर में कुछ क्लॉजेस हो सकते हैं। ईच क्लॉज इज अ फैक्ट और रूल, जो प्रत्येक क्लॉज है वो फैक्ट हो सकता है या रूल हो सकता है। प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड बाय पोजिंग क्वेरीज, प्रोग्राम्स एग्जीक्यूटेड होता है बाय पोजिंग क्वेरीज। एग्जाम्पल, सपोज एग्जाम्पल है प्रेडिकेट, ठीक है। अब ये जो प्रेडिकेट है, ये जो एरो है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है ना, इसको थोड़ा अच्छे से कनेक्ट कर लेंगे। प्रोसीजर फॉर एलिमेंट, एलिफेंट, एलिफेंट के लिए क्या प्रोसीजर है। अब यदि मैं बात करूँ फैक्ट्स की या क्लॉजेस की, तो वो क्या हो सकता है, एलिफेंट जॉर्ज, जॉर्ज इज़ एलिफेंट, एलिफेंट मैरी, मैरी इज़ ऑल्सो एलिफेंट। अब एलिफेंट की क्या, एलिफेंट के लिए पहचानने के लिए क्या रूल है, ये रूल है, और इन्हीं को क्लॉजेस भी कहा जा रहा है मिला के। अब इसको अलग से आइडेंटिफाई कर दिया गया है कि ये रूल है। एलिफेंट का प्रॉपर्टी क्या है, एलिफेंट का कलर ग्रे हो सकता है, वो मैमल यानी कि स्तनपाई हो सकता है, स्ट्रंग है, स्ट्रंग मतलब एक ऐसा एनिमल जिसकी सूंड होगी, है ना, वो हो सकता है हाथी, एलिफेंट। अभी एग्जांपल, क्वेरी यदि रन होगी कि तो किस तरीके से रन होगी, इज एलिफेंट अ जॉर्ज, तो इसका आंसर यस आ रहा है। अब यस इसलिए आ रहा है कि हो सकता है नॉलेज बेस में स्टोर हो कि जॉर्ज इज़ अ एलिफेंट, तब यस आएगा। मान लीजिए आपने कोई दूसरा क्वेरी रन किया कि इस एलिफेंट, इस जेन इज़ अ एलिफेंट, क्या जेन, जेन एक एलिफेंट है, तो आंसर आएगा नो, जेन है ना, यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है, जेन इज, जेन इज अ एलिफेंट, तो इसका आंसर नो आएगा, क्योंकि डेटाबेस में यानी कि यहाँ पर जो नॉलेज बेस हम कंसिडर कर रहे हैं, इसमें जेन नाम का कोई एलिफेंट नहीं है, इसलिए जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, नो आएगा। क्लॉज फैक्ट्स एंड रूल्स, अब क्लॉज फैक्ट्स एंड रूल्स के लिए क्या हो सकता है, हेड बॉडी, ये एक रूल है, हेड ये एक फैक्ट है। यदि प्रोवाइडेड किया जा रहा है तो टर्नस्टाइल का यूज़ होगा, तो टर्नस्टाइल का यूज़ होने से ये एक रूल हो सकता है, और यदि नहीं हो रहा है इस तरीके से तो फैक्ट हो सकता है। और जब भी आप रूल लिखेंगे तो लास्ट में हमेशा क्या होगा, फुल स्टॉप होना चाहिए एट द एंड। बॉडी ऑफ ए रूल क्लॉजेस कंटेन गोल्स, यदि एक रूल की बॉडी है तो उसमें गोल्स हो सकते हैं। हेड यदि हम लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, लाइक्स मैरी एस। अब इसका बॉडी लिखेंगे तो ह्यूमन एक्स, हॉनेस्ट एक्स, ये क्या हो जाएंगे, इसके गोल्स हो जाएंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लॉजेस, यदि हम क्लॉजेस का इंटरप्रिटेशन करें तो कैसे होगा। क्लॉजेस कैन बी गिवन ए डिक्लेरेटिव रीडिंग और अ प्रोसीजरल रीडिंग। क्लॉजेस में डिक्लेरेटिव रीडिंग या फिर प्रोसीजरल रीडिंग की ज़रूरत है। फॉर्म ऑफ क्लॉज, क्लॉजेस के कुछ फॉर्म हो सकते हैं, एच, जी वन, जी टू, जी एन। डिक्लेरेटिव रीडिंग, दैट एच इज प्रोवेबल फॉलोज फ्रॉम गोल्स जी वन, जी टू, जी एन बींग प्रोवेबल। यदि हम डिक्लेरेटिव रीडिंग करें, देखें, तो एच प्रूवेबल इस तरीके से हो सकता है, जब उसमें हो गोल जी वन, जी टू और जी एन क्या हों, प्रूवेबल हों, तब एच क्या हो सकता है, प्रूवेबल हो सकता है। प्रोसीजरल रीडिंग, टू एग्जीक्यूट प्रोसीजर एच, द प्रोसीजर कॉल्ड बाई गोल्स जी वन, जी टू, जी एन आर एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। यदि हमें एग्जीक्यूट करना है प्रोसीजर एच को, तो प्रोसीजर
कॉल्ड होगा बाई गोल्स G1, G2, GN जो पहले एग्जीक्यूट होंगे। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि मेल बेटरेम, मेल पेर्सिवल, ये क्या है, ये फैक्ट्स हैं। फीमेल लुसिंडा, फीमेल कैमिला, दिस इज़ ऑल्सो फैक्ट। तो पेयर एक्स वाई, एक्स और वाई का आप पेयर बना सकते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग। अब इस पर क्वेरी क्या क्या हो सकते हैं, क्वेरी ये हो सकता है, पेयर पर्सिवल एक्स, क्या पर्सिवल जो है वो मेल है, ये क्वेरी हो सकता है, ठीक है, ये इनडायरेक्ट क्वेरी है। नेक्स्ट पेयर क्या है, अपोलो और डेफेन, अपोलो और डेफेन का पेयर बना के पूछा जाएगा कि क्या अपोलो और डेफेन पेयर है। पेयर कैमिला एक्स, नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि इस कैमिला इज़ अ मेल, तो इसका आंसर क्या, पेयर पर्सिवल एक्स यदि हम पूछेंगे कि क्या जो है पर्सिवल पर्सिवल मेल है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा यस। और यदि हम पूछेंगे पेयर अपोलो डेफेन, अपोलो और डेफेन क्या पेयर है, तो यदि ये नॉलेज बेस में नहीं होगा तो इसका आंसर क्या आ सकता है, इसका आंसर आ सकता है नो। सपोज हम पूछेंगे कि पेयर कैमिला एक्स, क्या कैमिला एक फीमेल है, तो इसका आंसर अगेन क्या आ सकता है, इसका आंसर सॉरी यहाँ पर कैमिला इज़ अ मेल पूछ रहा है, एक्स यानी मेल को इंडिकेट कर रहा है, तो क्या कैमिला मेल है, नहीं है, तो नो आएगा आंसर, भले ही वो फैक्ट में, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, नो। पेयर एक्स लुसिंडा, अच्छा यहाँ पर पेयर के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, तो आंसर थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, पेयर एक्स एक्स, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग आप यूज़ कर सकते हैं वर्कशीट्स। सपोज हमें रिप्रेजेंट करना है एक सिमेट्रिक रिलेशंस या इम्प्लीमेंट करना है एक स्ट्रेंज टिकट कंडीशन, तो ये एक टिकट कंडीशन है, ये क्या है, कुछ लोकेशंस के नाम हैं। यहाँ पर जो बर्कशायर है वो कनेक्टेड है हैम्पशायर से, विल्टशायर से और सर्रे से। वाइट विल्टशायर कनेक्टेड है बर्कशायर हैम्पशायर से। अब हैम्पशायर जो है वो ऑल्सो कनेक्टेड है बर्कशायर से, सर्रे से। सर्रे कनेक्टेड है ससेक्स से, और ससेक्स कनेक्टेड है कैंट से। इस तरीके को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर बॉर्डर क्या है, सिमेट्रिक है। इस वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।